हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग ग्रीन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट में खासकर बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर और बाकी सब जगहों में बहुत यूज़ होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं सो व्हाट आर ग्रीन प्रैक्टिसेस सो द ग्रीन एथिक ऑफिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट वी शुड सिस्टोमेटिकली अप्लाई टू नेचर लाइक ग्रीनिंग द प्लानट बाई प्लान्ट ट्रीज using sustainable materials adopting sustainable business travel policies etc तो basically ये ethics का part होता है और किसी भी corporation को किसी भी business organization को या किसी भी संस्थान को आप कह लीजिए कि उनको green practices करना है ethically और इसमें सबसे important आता है planting trees taking care of trees और sustainable materials जैसे uh, प्लास्टिक्स का कम यूज़ करना रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करना और ये सारी चीज़ें आती हैं एडॉप्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस ट्रेवल पॉलिसीज में आ गई कि आप आ, जो है अपनी आ, अपनी गाड़ी का कम यूज़ करें पेट्रोल बचाएं और ऑर्गेनाइजेशन के बसेस का यूज़ करें लाइक like दैट ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं सो दिस इज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल So green practices means the practice of creating structures and using processes that are environmentally responsible and resource efficient throughout the life cycle of development including buildings from siting to designs construction operation maintenance रेनोवेशन एंड डी कंस्ट्रक्शन तो जो भी हम देखते हैं जो बिल्डिंगें बनती हैं तो उसमें हम ग्रीन कलर के कपड़े लगाते हैं ताकि जो साथ मतलब जो भी इन्वायमेंट में डस्ट पॉल्यूशन ना हो और दूसरे जो पास में रह रहे हैं वहाँ पे नहीं हो तो बहुत सारी हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं बिल्डर्स और ये सब मेनटेनेंस और ऑपरेशन के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स में तो ताकि ग्रीन मतलब पॉल्यूशन ना हो और जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो, सो द एथिकल इशू दैट अ ग्रीन कंपनी रिजॉल्व आर इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल तो एन्वायरमेंट को भी हमें सपोर्ट uh, करना है कि उसमें पॉल्यूशन ना हो और प्लस फाइनेंशियली भी uh, हमें उतना घाटा नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में सो दिस इज ओनली द ग्रीन प्रैक्टिस थैंक यू